Hello dear students, my name is Varshali and I am from Nahar Convent Higher Secondary School. In this video, we will talk about a very interesting topic and which is also very important. ये टॉपिक इंटरेस्टिंग भी है, इम्पॉर्टेंट भी है और सिर्फ आपके स्कूल टाइम तक नहीं, ये अगर आप बाद में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हो, कुछ भी एसएससी, बैंकिंग, कैट, सभी में, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. ये टॉपिक है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड. तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है? अगर हम इंग्लिश की बात करें, अभी पर्टिकुलरली अगर इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें, पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हिंदी में भी हो सकता है. तो इंग्लिश में जब हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज होती है उसमें अनसीन पैसेज. अनसीन मतलब द पैसेज विच यू हैव नेवर सीन, जो पैसेज आपने आज तक देखा नहीं है. तो पैसेज जब आपके सामने आ जाता है, अगर उसकी लेंथ छोटी है और वो बहुत ही सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है, तब आप उसको इजीली सॉल्व कर पाते हो. पर अगर वो बहुत ट्रिकी हो, बहुत लेंथी हो, तो इसमें हम बात करेंगे कुछ टिप्स और ट्रिक्स की जिनको फॉलो करके आप पैसेज को इजीली सॉल्व कर सकते हो. और क्योंकि उसमें सारे आंसर्स आपको वहीं पे लिखे होते हैं, तो आपके लिए उसमें मार्क्स को गेन करना बहुत इजी हो जाता है. अगर आपको वो सॉल्व करना आता है तो वो आपका प्लस पॉइंट बन जाता है. सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट टिप है, डोंट एम्फसाइज ऑन ट्राइबिलिटीज. मतलब कि जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है, बहुत ही बारीक बारीक इंफॉर्मेशन है, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है. ओके, अगर आपको एक पैसेज में एक पर्टिकुलर टाइटल के ऊपर वो पैसेज लिखा हुआ है तो उसके बारे में डिटेल्स देंगे, पर हर डिटेल्स पे ध्यान देना कि ये डिटेल भी काम में आ सकती है, इसे भी लिख देना चाहिए, नहीं. हर डिटेल्स पे ध्यान देना इम्पोर्टेंट नहीं होता है. वो डिटेल सिर्फ पैसेज की लेंथ बढ़ाने के लिए दी गई होती है, पर हर डिटेल पैसेज के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती है. सेकेंड हमारा पॉइंट है, डू नॉट मेमोराइज. याद मत करो. अगर उनको आप जो भी पैसेज आपसे पूछ रहे हैं या जिस भी एग्जाम में पूछा गया है, अगर उनको आपकी लर्निंग कैपेसिटी चेक करनी होती तो वो आपको पूरा पैसेज देते ही नहीं. वो आपकी लर्निंग कैपेसिटी आपके आंसर्स में देख लेते हैं. अभी क्या देखना होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, आप कितना अच्छे से उस पैसेज को समझ पाते हो, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग स्किल्स है वो कितनी अच्छी, आपके रिफ्लेक्सेस कितने अच्छे, कि आप जैसे ही आप उस चीज को पढ़ते हो और आप उसके आंसर्स को ढूंढ पाते हो, बता पाते हो. तो यहाँ पे आपको पूरे पैसेज को याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. थर्ड पॉइंट है, डू नॉट नीड टू मोर एम्फसाइज ऑन वोकैबुलरी. वोकैबुलरी का पता होना अच्छी बात है, जरूरी ही है, पर आपको शेक्सपियर नहीं बनना है कि आपको एक एक वर्ड पता होना चाहिए, एक एक डिफिकल्ट वर्ड पता होना चाहिए. क्योंकि पैसेज में क्या होता है कि अगर एक डिफिकल्ट वोकैबुलरी आ भी गई, कुछ ऐसा वर्ड आ भी गया और आपको उसका मीनिंग नहीं पता है, तब भी आप उसे सॉल्व कर सकते हैं. क्योंकि जब वो सेंटेंस में लिखा होता है तब आप सेंटेंस को पढ़कर, उसका प्रीवियस सेंटेंस पढ़कर, उसका नेक्स्ट सेंटेंस पढ़कर उसका मीनिंग इजिली ग्रेस्प कर पाते हो. तो हर एक वोकैबुलरी का पता होना जरूरी नहीं है. फोर्थ पॉइंट है, डू नॉट थिंक कि किसी भी पैसेज का कोई भी आंसर कहीं बाहर से आया होगा. मतलब कि अगर आप उस पैसेज को पढ़ रहे हो तो आपको ये ध्यान में रखना है कि वो पैसेज आपकी एक बाउंड्री है. अगर आपको उसका कोई भी आंसर चाहिए तो आपको उसके अंदर से ही निकालना है. आप अपनी इमेजिनेशन यूज करके कहीं बाहर से कोई आंसर लेकर नहीं आ सकते हो कि ये आंसर भी तो हो सकता है. नहीं, अगर आप पैसेज सॉल्व कर रहे हो और उन्होंने आपको पैसेज दिया है पूरा लिखकर, मतलब कि उन्होंने आपकी एक बाउंड्री, एक इमेजिनेशन की, एक थॉट्स की बाउंड्री डिफाइन कर दी है, आपको उसी को यूज करना है. आपको अपनी मर्जी से चीजें बाहर से लेकर नहीं आनी कि नहीं ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबिलिटी है, ऐसा भी हो सकता है, या हम ऐसा सोचते हैं. यहाँ पर जब पैसेज है तब हम अलग एंटिटी है और पैसेज जो दिया गया है, जिसने वो पैसेज लिखा है, वो अलग एंटिटी है. हमको उनके थॉट के अकॉर्डिंग अपने थॉट्स को फ्रेम करना होगा. हम अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग पैसेज को चेंज नहीं कर सकते हैं. सेकेंड नेक्स्ट चीज ये है कि आप ट्रिगर्ड वर्ड्स में फंसो मत. मतलब डू नॉट रिलाई ओवर ट्रिगर वर्ड्स. ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे कि एक पैराग्राफ स्टार्ट हुआ स्पोर्ट्स की इम्पोर्टेंस से, फिर आपको उसमें बीच में वर्ड्स आ गए बट हाउ एवर, मतलब कि किंतु परंतु वाले वर्ड्स, तो आपको उस पर अटकना नहीं है.
कि वो वर्ड्स आ गए तो अब चेंज हो गया है, नहीं, वो आपको दोनों सिनेरियो बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको उन वर्ड्स को देखकर कंफ्यूज नहीं होना कि नहीं उन्होंने तो सिचुएशन ही चेंज कर दी है, आपको पूरे पैसेज को प्रॉपरली पढ़ना है। नेक्स्ट इज फर्स्ट पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ को ज्यादा ध्यान देकर पढ़ना होता है। जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ होता है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ और जो लास्ट पैराग्राफ होता है जिसमें कंक्लूड किया जाता है, वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे आपको पता चलता है कि पैसेज किसके बारे में है, पैसेज किस टॉपिक से रिलेटेड है, और कंक्लूजन से आपको ये पता चलता है कि जो भी इसका राइटर था वो किस बात पर इस पैसेज को कंक्लूड करना चाहता है, क्या वो फेवर में है, क्या वो डिसएग्री करता है। तो फर्स्ट पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ हमको ज्यादा अटेंटिव होकर पढ़ने पड़ते हैं। अब नेक्स्ट चीज जिससे शायद कुछ लोग एग्री करें या कुछ लोग नहीं करें, हमें पैसेज बाद में पढ़ना चाहिए। Do not read the passage first. आपको पहले उसके questions पढ़ लेने चाहिए। अगर आपको उसको बहुत अच्छे से solve करना है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको पहले उसके questions पढ़ लेने चाहिए। अगर आप एक questions का quick overview ले लोगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि passage किस बारे में है, उसमें क्या words हैं, और जब आप उस passage को पढ़ोगे तो आपके mind में questions रहेंगे, तो जब उस question से related कोई word आपको दिखाई देगा तो आप उस पर ज्यादा stress दे पाओगे। ओके, आप उसे ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे कि नहीं ये हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड हमें कुछ दिखाई दे रहा है, इसको हमको ज्यादा ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट चीज, आपको अगर ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन, सपोज एक पैराग्राफ है पूरा गांधी जी के बारे में, तो उसमें से सारी चीजें सेंटेंस के फॉर्म में तो वहां पे लिखी हुई है, तो जब आपने क्वेश्चन रीड कर लिए, जब आप अब पैसेज रीड कर रहे हो, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज होती है, जैसे गांधी जी का नेम हो गया मोहनदास करमचंद गांधी, तो आपने उसे लिख लिया एक जगह, फिर उनका बर्थ कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 आपने उसको एक जगह लिख लिया, फिर कहाँ पर हुआ था, पोरबंदर गुजरात, उसको ऐसे वर्ड्स को जब आप कर लोगे, एक समरी बना लोगे, तो अगर वो बहुत लंबा पैसेज है तो आपको पैसेज बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर आप उस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको आंसर्स आपकी समरी में से ही मिल जाएंगे, मतलब कि आप टाइम सेव कर पाओगे, आपको बार बार टाइम वेस्ट नहीं करना होगा पूरा पूरा पैसेज रीड करने में। एंड लास्ट थिंग कि हमें पूरे पैसेज को पढ़ते हुए सॉल्व करते हुए अटेंटिव रहना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये वो चीज है कि जिसके आंसर्स आपको पैसेज में से ही मिलने हैं, आपको कहीं बाहर से कोई आंसर नहीं लेकर आना है, तो बिल्कुल इतना इजी तो आपको कोई भी राइटर देगा नहीं कि आप उस चीज को आसानी से कर पाओ, आंसर्स आपके सामने हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स लेकर आते हैं। तो हमको अटेंटिव रहना होता है कि हमारे सामने जब आंसर्स लिखे हैं और जहां भी ट्विस्ट और टर्न्स भी हैं, तो हम उनमें जाकर ट्रैप ना हो जाए, हम उस चीज को, उस पूरे पैसेज को रीड करते हुए बहुत ही अटेंटिव रहना है। So this is all about reading comprehension. I hope आप इन points पे focus करोगे और इसको सबको समझने के बाद, इनको mind में रखने के बाद, आपको unseen passages बहुत easy लगेंगे, आपको बिल्कुल difficult नहीं लगेगा उनको solve करना, चाहे वो छोटे छोटे passages हो या फिर वो कोई lengthy passages हो। Thank you so much.